विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृतियों की जननी बस्तर की धारा को नमन करता हूं। और एक नारा जो भारत में कोने कोने तक देश के आदिवासी लगभग 60 सालों से गुंजायमान कर रहे हैं, वो नारा आप लोग सब साथ में मेरे साथ लगाएंगे। एक तीर एक कमान, सर्व आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, सर्व आदिवासी एक समान। पीछे के लोगों को आवाज बहुत ठीक से आ रही है? जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों का थोड़ा सा मानसिक उत्साह वर्धन के लिए संक्षिप्त उद्बोधन दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि बच्चे लोग शोरगुल ना करें। आप मात्र 20 मिनट सुनिए, लेकिन ध्यान से सुनिए। जितना ध्यान से आप मेरी बातों को सुनेंगे, उतना ही वो आपके बुद्धि में मर हो जाएगा। सर्व आदिवासी समाज के द्वारा इस आयोजन में विश्व आदिवासी दिवस को पूरे देश में आक्रोश रैली के रूप में आयोजित किया जा रहा है। 2023 भारत की धरती पर पूरा आदिवासी समाज आक्रोश रैली के रूप में आयोजित कर रहा है। इसके पहले तक आपने लगभग 14 वर्ष खूब धूमधाम से नाचा है, कूदा है, सड़कों पर डीजे में आपने नृत्य किया है। जैसे पंजाब में बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है, वैसे ही भारत में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पूरे आदिवासी युवा युवतियां महिलाएं पुरुष बैसाखी की तरह आनंद मनाते रहे हैं 9 अगस्त को। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज पूरे भारत में आक्रोश रैली निकल रही है, सारे नाच गाने सांस्कृतिक आयोजनों को रद्द कर दिया गया है? उसकी वजह क्या है आप लोगों को समझ में आई होगी। अखबार में, सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो आपने सुना कि मणिपुर जल रहा है, कोई आदिवासी क्षेत्र भारत में पहली बार नहीं जल रहा है। बस्तर जला है, जिस भूमि में हम ये आयोजन कर रहे हैं ये भूमि जली है। महाकौशल की भूमि जली है, इसके पहले भी पूर्वोत्तर भारत की भूमि जली है, सलवा जोन की आग में ये बस्तर धधका है। और आज 2023 में मणिपुर धधक रहा है। जिस प्रकार की घटनाएं मणिपुर में हुई, उससे पूरा विश्व शर्मसार हुआ, पूरी दुनिया शर्मसार हुई, पूरा भारत शर्मसार हुआ। अगर किसी को दुख नहीं हुआ, मालूम पूरा कब, तो इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं।
इस देश में किसी को दुख नहीं हुआ, इस देश के प्रधानमंत्री को। कल तक हमारे देश का प्रधानमंत्री भारतीय संसद में उपस्थित नहीं है। 20 जुलाई को भारत के लोकतंत्र की आत्मा जिसे कहा जाता है संसद, उस संसद में हमारे देश का प्रधानमंत्री 20 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक उपस्थित नहीं हुआ। मेरे जैसे बुद्धिजीवी विचारवान लोगों के लिए बहुत तकलीफदायक विषय है। आप लोग राजनीति का रंग नहीं जानते, कूटनीति का कौन नहीं जानते, तो आप लोगों को यह मर्म उतना बेहतर तरीके से समझ में नहीं आया। लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग है, पढ़े लिखे दो प्रकार के होते हैं, एक पेट भरने वाला पढ़ा लिखा समाज जिसने युगोपार्जन के लिए पढ़ाई की, एनएमडीसी जैसी जगहों पर अपने नौकरियों में आया, एक वो समाज। आप लोग पेट जीवी बुद्धिजीवी, आप लोग पेट जीवी शिक्षित लोग। अरे होता है बुद्धिजीवी, वो सिर्फ बुद्धिजीवी होता है, फिर वो एक मजदूर हो सकता है, वो एक चरवाहा हो सकता है, वो एक इंजीनियर हो सकता है, वो एक डॉक्टर हो सकता है। ये कैटेगरी भारत में निर्धारित नहीं हुई। मैं पूरे भारत में व्याख्यान देने जाता हूं, लगातार 1 घंटे से लेकर के 1.5 घंटे तक व्याख्यान देता हूं, विषय दिए जाते हैं, उस विषय पर विशेषज्ञ की भांति बोलता हूं, देश के विश्वविद्यालयों में जाता हूं जहां पर 100% इंटेलेक्चुअल क्लास का आदमी बैठा रहता है, सभा का तमाम प्रोफेसर और लेक्चरर होते हैं उसके श्रोता, और पीएचडी के स्कॉलर होते हैं। हम कहां थे, हम कहां हैं, और हमें कहां होना चाहिए, ये जितने रंग बिरंगे कपड़े पहन के आप लोग की सभागार में बैठे हैं, शानदार भोजन, शानदार वस्त्र, शानदार जीवन, ये जो आप लोगों को मिला है, कैसे मिला है, क्यों मिला है, आप अभी इसी समय कल्पना करिए कि आप जिस परिवार से आए हैं, आपके पिता या फिर आपके दादा को याद करें। आज आप अपने पिता या अपने दादा को याद करिए और अपने दादा के घर को याद करिए। क्या आपके दादा के घर में साइकिल थी? क्या आपके दादा के घर में ये इस प्रकार की चेयर थी, कुर्सी थी, बिजली थी? आपके दादा के पास में अच्छे वस्त्र थे? आपके दादा के पास में कोई अच्छी शिक्षा थी? तो 99% इस देश के आदिवासियों का जवाब होगा नहीं थी।
बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाई है, उनको माल्यार्पण करवाया, उनके अगल बगल में हमारे महामानव लोगों का चित्र है, पर आपने अपने एक सबसे बड़े महामानव को जिनकी वजह से चेहरे आदिवासियों के देश में चमक रहे हैं और दमक रहे हैं, ये आपके चेहरे में जो रंगत आई है या इसको पाउडर लगाने शुरू किए हैं, आपके घरों में टूटी साइकिल नहीं हुआ करती थी, आपका बाप पैदल स्कूल जाया करता था, आज उसका बेटा एनएमडीसी में एक शानदार नौकरी करके चमचमाती हुई जिंदगी जी रहा है, ये अवसर आपको देने वाले को आपको ध्यान नहीं लगा, आपको मालूम ही नहीं है कौन, तो क्यों लगाएंगे? ये जो आपका जो सुनहरा चेहरा दिख रहा है ना, जो बीहड़ जंगलों से निकल के बाहर आया है, यहां से 3 किलोमीटर बाद इस कॉलोनी के जंगल ही जंगल, ऐसा जीवन है जब आप जिस कॉलोनी में आप लोग रह रहे हैं, एनएमडीसी की इस कॉलोनी से बाहर निकल के मुझे बताइए कि इसी बजरी में ऐसा कोई जीवन और है क्या? हाँ है ना, तो आपके पास में ऐसा जीवन क्यों है, कैसे मिला, क्यों मिला? हरे भरे वृक्ष, शानदार ऑडिटोरियम क्यों मिला? एक ऐसा महामानव और इस भारत में पैदा हुआ बाबा साहब के समकक्ष, उसकी देन है, उस महामानव का नाम है जयपाल सिंह मुंडा, बजाइए ताली उस महामानव का नाम, इसने ये व्यवस्था की। बाबा साहब के 5वीं और 6वीं अनुसूची के शामिल कर लेने से आपको ये लाभ नहीं मिला, आपका जीवन नहीं बदला, पर हमारे समाज को यह पढ़ा दिया गया कि आज आदिवासियों का जो भी सुनहरा जीवन है वो बाबा साहब की देन है, ये गलत। हमारे आज के सुनहरे जीवन का किसी को श्रेय जाता है तो हमारे आदिवासी महापुरुषों को जाता है, महामानवों को जाता है, युगांधरों को जाता है। विश्व का सबसे अधिक पढ़ा लिखा, विश्व का नॉट इंडियन, विश्व का सबसे अधिक पढ़ा लिखा आदिवासी व्यक्ति भारत में जन्मा, इसका नाम था जयपाल सिंह मुंडा, संविधान सभा के सदस्य, 1928 के भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, और भारत को पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल दिलवाने वाले जयपाल सिंह मुंडा भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, जर्मन में जो हॉकी का जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप, हिटलर के जिनके अधीन ध्यानचंद ने खेला, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने विश्व कप जीता था, भारत का पहला आईएएस उस समय आईसीएस होता था, ब्रिटिश भारत, भारत में पहला आईएएस बनने वाला आदिवासी जयपाल सिंह क्यों नहीं जानते इस महामानव को? अफवाह पढ़े लिख लिए,